वेलकम टू माय चैनल फास्ट की जान। तो आज हम आपके लिए एक खास वीडियो, इसमें तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज होता कि मैम कट ऑफ कितना जाता है और क्या कट ऑफ आने से ही तो हम लोग कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कट ऑफ ये चीज़ होता है जो आपका तो एक मिनिमम मार्क्स जो बोलते हैं कि मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपके मतलब कॉलेज मतलब किसी भी चीज़ को मतलब पास होने के लिए चाहिए। जिससे होता है कि हम लोग अगर टेंथ ट्वेल्थ में कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें होता है कि हम लोग को इतना मार्क्स मतलब एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए, उससे अच्छा मार्क्स आता है तो आपको तब कॉलेज में। जैसे होता है कि हम टेंथ एग्जाम दिए 100 मार्क्स का हमारा कॉलेज मतलब एग्जाम होता है सब्जेक्टिव मार्क्स, तो 100 मार्क्स को होता है उसमें अगर 30 मार्क्स लाते हैं 30, तो ये 30% जो होता है वो जो होता है कि हम लोग का एक पासिंग मार्क्स होता है कि हाँ हम पास हुए हैं। ये डिसाइड नहीं होता कि हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड है थर्ड है, ये चीज़ डिसाइड नहीं होता। वो होता है अगर 60% से ज़्यादा लाते हैं तब हम फर्स्ट कराते हैं, उससे कम लाते हैं तो सेकंड, और उस मतलब अगर 30 से ज़्यादा बस लाते हैं तो हम लोग थर्ड कराते हैं। तो वो एक क्राइटेरिया हुआ, सिर्फ ये मिनिमम मार्क्स आपको ये दर्शाता है कि आप पास हो गए हैं, टेक्निक ये नहीं दर्शाता कि फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, ठीक है। तो यही होता है हमारा कटअप। कटअप होता है मिनिमम मार्क्स आना चाहिए। अगर हम एम्स की बात करते हैं तो एम्स में होता है अगर लगभग हर एक जगह का यही होता है, अनरिजर्व का 50% जाता है, ओबीसी का जाता है आपका 45% और एससी का लगभग 40% 45 से लेकर 35% तक जाता है। तो ये एक क्राइटेरिया बनाएंगे। जैसे मैं अगर अनरिजर्व की बात करते हैं तो अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उतना आपका 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए आपको पास होने के लिए। अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तब आपको कॉलेज मिलेगा। ये चीज़ तो होता है कि गाइस आपका कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है हर एक कॉलेज का, तो ये चीज डिसाइड इसी से वजह से होता है। बहुत सारा तो परसेंटाइल से डिसाइड होता है, ये कट ऑफ तो आपका इससे डिसाइड होगा। अगर मतलब मेरिट लिस्ट कैसे डिसाइड होता है, कॉलेज कैसे मिलता है, तो मेरिट लिस्ट होता है डिसाइड होता है परसेंटाइल से। परसेंटाइल क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। अगर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो मैम परसेंटेज क्या होता है परसेंटाइल का, तो बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रखा है तो उस पर बात करते हैं गाइस। परसेंटाइल ये होता है अगर मान लीजिए किसी का मान लीजिए मेरे साथ 90 मार्क्स आया है तो उसको हम 100 मार्क्स मान लेंगे, मतलब सॉरी 100 परसेंटाइल मान लेंगे, 100% मान लेंगे। और उसके बाद जिस बच्चे का उसका कम नंबर आता है तो उसके अकॉर्डिंग 100 परसेंटाइल मान लेंगे, यानी 90 नंबर आया तो 90 का 10% कितना हो जाएगा 9 नंबर आ जाएगा। अगर किसी का मान लीजिए 36 आया अप्रॉक्समेट मान लेते हैं 36 नंबर आया उसको हम कितना परसेंटेज मानेंगे, 36% मानेंगे या 40%, तो गाइस हम उसको 40% मान लेंगे। यानी 36 नंबर अगर किसी का आता है तो वो उसका 40% हुआ। 90 नंबर को 100% मान लिए तो 36 नंबर को 40% मानेंगे। तो ये एक परसेंटाइल एक कैटेगरी होता है गाइस, क्राइटेरिया होता है, मतलब ऐसे कट ऑफ का क्राइटेरिया होता है कि जो हमको पास होना है। परसेंटाइल से हमारा मतलब कॉलेज डिसाइड होता है, तो वो परसेंटाइल हाईएस्ट मार्क्स के अकॉर्डिंग है डिसाइड होता है। तो गाइस उम्मीद है कि आपको जो भी कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो समझ में आ जाया होगा। कट ऑफ हर एक कॉलेज के लिए आपको अनरिजर्व का 50% चाहिए, एससी एसटी के लिए 40% चाहिए और आपका ओबीसी के लिए 45% चाहिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो उम्मीद है गाइस कि आपको डाउट क्लियर हो गया, कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, मेरिट लिस्ट कैसे डिसाइड होगा। तो जो भी अगर कोई कन्फ्यूजन डाउट होता है तो आज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा आईडी मेरा सफ़ेद मेहता और टेलीग्राम आईडी पासा के चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट होता तो क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद, वीडियो कर बड़ा सा लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो और उनके लिए बेनिफिशियल हो। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।